हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है भाई? लोग देखो भाई, क्या जगह मिली है आज। लेकिन आज जहाँ पर मैं हूँ, आज मैं आपको सिर्फ ये जो सीनिक व्यू है ना, देहरादून की वादियाँ, ये दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मिलने वाला हूँ एक बहुत ही खास खास तो क्या है, वैसे आप खुद देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन है और क्या कर रही है। आखिर क्यों पकड़ा मैंने उनको, मिलती नहीं है वैसे ये, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने आप को चेंज किया, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने अपने आप को चेंज किया है, कैसे हुआ, क्या हुआ और अब क्या कर रही हैं, वही बताता हूँ। फिलहाल आपको ये वादियाँ मैंने दिखा दी हैं। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ जा रहे हैं, कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ और आपको मिलाता हूँ, ये ले गया मैं उनके पास। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं मैम? सब बढ़िया सर, आई एम गुड। पक्का? बिल्कुल सर, पक्का गुड है ना? बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताओ, आपने पहले, आप देहरादून से ही हैं? हाँ जी सर। मैम पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप, मैं तो जानता हूँ ताकि सबको पता लग जाए। आई एम मनीषा गिरोदी एंड देहरादून सर मेरी बर्थ प्लेस है। हाँ जी। वाटरपेट देहरादून, गॉट मैरिड एट देहरादून और अब ऑल थ्रू माय लाइफ देहरादून में ही रही हूँ। मतलब देहरादून से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है आपका? नहीं, कहीं भी जाने का कोई इरादा नहीं है? नहीं। तो आपको जब मैं इससे पहले जब मैं देखता था, यानी कि आज से 5-6 महीने पहले की बात करूं, तो उस टाइम में मैंने देखा था मैम आप फिटनेस करते थे अपने लिए, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं, और आज आप बिल्कुल, लोग देख के बोलेंगे यार आज तो ट्रैक सूट में नहीं है या अपने अटायर में नहीं है, ऐसा कैसे, आज क्यों, आज ऑफ है क्या आपका? सर आज ऑफ है, 5 days a week मेरी क्लासेस चलती हैं एंड सैटरडे संडे इज कंप्लीट रेस्ट। क्लासेस क्या मैम, हिंदी इंग्लिश मैथ्स पढ़ाते हैं क्या? नहीं नहीं सर, फिटनेस क्लासेस आई एम टेकिंग 5 days a week। वो तो आपको देख के लग रहा है मैम, जिस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि ऐसा कुछ करना है करके, बिल्कुल ही शिफ्ट किया आपने? सर पहले जैसे आई वॉज इन टू साइकिलिंग एंड रनिंग, उसके बाद जब ये COVID-19 का स्टार्ट हुआ, पैंडेमिक का सारा, तो आई वॉन्टेड सम चेंज। ये था कि घर में बैठना है, बाहर नहीं जाना, घर से ही बैठे बैठे वॉट आई कैन डू बेस्ट वर्स कि ठीक है, हम लोग चार पांच फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया कि मनीषा यू आर गुड एट इट, तो चल तू क्लासेस लेनी स्टार्ट कर, विल ज्वाइन यू, साथ के साथ हम लोग करेंगे। अच्छा, पहले आपस में ही शुरू किया आपने? ठीक है सर, हम लोग 4 फ्रेंड्स हैं। हाँ। जिसमें रूपा सोनी होगी, तन्वी चंद्रा है, रेखा खन्ना है, सारे फिटनेस फ्रीक और है, मतलब जो लॉकडाउन हुआ उसमें भी आपने बिल्कुल भी कुछ भी बंद नहीं किया? नहीं सर, बस थोड़ा सा चेंज किया है ना, जहाँ आप बाहर करते थे, आउटडोर करते थे, वो आपने अंदर किया। तो अभी भी आपकी क्लासेस चलती हैं क्या मैम? हाँ जी सर, पहले तो ये था कि 4 फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया था, तो फ्रेंडी क्लासेस स्टार्ट करी थी। हाँ जी। तो आफ्टर अ मंथ्स टाइम पे मेरे को लगा कि ठीक है, व्हेन एवरीवन इज गेटिंग रिजल्ट्स, रेखा का जैसे शुरू किया था, विद इन 2 months शी लॉस 7 to 8 kgs ऑफ वेट। कितना? 7 to 8 kgs सर। कितना टाइम में? सर 2 months में। आप मजाक कर रही हैं, सच बोल रही हैं? बिल्कुल सर, वो रेखा को देख के पता चलेगा आप लोगों। क्या बात है, वो मैंने अभी देखा था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और अब आपने बोला तो मुझे कोई शक नहीं है। उसके बाद सर हुआ कि ठीक है, व्हेन आई एम डूइंग सो गुड, तो सर फ्रेंड्स ने भी प्रमोट किया, फिर इसको एज अ प्रोफेशन मैंने लेना शुरू किया। बिल्कुल। एंड प्रोफेशनली इस चीज को लेके प्रॉपर मैंने अपना इस चीज को अपना मेन स्ट्रीम बना लिया, तो 5 days a week मैंने क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जिसमें आई कवर लाइक HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं। ओके। एक दिन उसके साथ इधर HIIT और फंक्शनल, और एक दिन आई पिक अप बॉडी पार्ट्स, तो 5 days a week ऐसा मेरा रूटीन चलता है। एंड उसमें जो है रिजल्ट्स आई एम गेटिंग गुड, आस्ते आस्ते क्लाइंटेज मेरी बढ़ती गई। आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम चेन्नई। मैं आपको अगला मेरा यही क्वेश्चन होने वाला था कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, क्या दोस्तों तक ही सीमित हैं, और आपने मतलब अभी यू हैव जस्ट इंक्रीज्ड और यू हैव जस्ट ओपन्ड अप विद योर क्लाइंट्स? नहीं सर, आई हैव ओपन्ड अप विद माय क्लाइंटेज, मेरे जो है ऑनलाइन क्लाइंट्स, आई हैव माय क्लाइंट्स एट चेन्नई, सेकेंडली मेरे पास क्लाइंट्स बरेली से हैं ऑनलाइन। क्या बात है। आई हैव वन क्लाइंट फ्रॉम यूएस आल्सो। यूएस अब्रॉड से भी हैं आपके पास? मेरे पास अब्रॉड से भी हैं। एंड दे ऑल दीस पीपल दे आर डूइंग गुड। तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको? सर रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जैसे रेखा का मैंने बताया, रेखा का है, एक मेरे बरेली में क्लाइंट है, तो उसका जो है 3 months में उसका भी 8 kgs के आसपास ट्रांसफॉर्मेशन है। 8 kgs इन 3 months? 8 kgs इन 3 months। क्या बात है। और बाकी जो अभी मेरे पास जो है चेन्नई से हुआ है, या एक मेल है स्वप्निल नाम का, तो विद इन अभी उसको 1 month नहीं हुआ है, अब फोर्थ ऑफ अगस्त उसको 1 month पूरा होगा। अच्छा। उसमें ही इज लॉस्ट 2 kgs एंड 2 inches। क्या बात।
मतलब मतलब वॉल्यूम भी कम हो रहा है और साइज भी कम हो रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या बात है, दिस इज माई टारगेट कि ठीक है, मतलब आई वॉन्ट मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं तो आई कैन डू माई बेस्ट फॉर देम, उनको हेल्दी ऑप्शन में दे सकूं। एंड आई हैव लाइक स्टार्टेड अप विद माई पेज ऑल्सो वर्कआउट विद मनीषा। अच्छा on... आप मुझे एक चीज बता दीजिए मैम, आपका सोशल मीडिया में आजकल हर कोई रहता है और हर कोई, अगर आपको कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कैसे कर सकता है आपसे कॉन्टेक्ट? सर मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है एंड मेरा जो है फेसबुक पे भी पेज है वर्कआउट विद मनीषा के नाम से, वर्कआउट विद मनीषा। भाई जो भी हमको देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सो यू कैन स्टार्ट योर वर्कआउट विद मनीषा। बिल्कुल सोशल मीडिया पे हैं आप, इंस्टाग्राम में भी हैं जैसे आपने बताया, आप फेसबुक में भी हैं, और फिर जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, आप क्या मतलब आपको क्या लगता है मैम, एक यूएस में बैठा हुआ है, एक यहाँ पर आप यहाँ से करा रही हैं देहरादून से, है ना, बहुत बड़ी चीज है, है ना। अगर आपको वन ऑन वन कराना होता तो ना तो आप यूएस जाते ना वो यूएस वाले यहाँ आते, लेकिन आज क्या लग रहा है आपको, ये एक तरह से जो वर्चुअल चेंज आया है लॉकडाउन में, ये हेल्पफुल भी है? सर बिल्कुल हेल्पफुल है, अगर सर मेन थिंग इज दिस, इफ दे आर अचीविंग व्हाट दे वांट, मेन टारगेट इज टू स्टे फिट, अगर उनका वो फिटनेस लेवल उसी घर पे रह के मेंटेन हो रहा है तो नथिंग लाइक इट, और क्या चाहिए। वैसे एक चीज कहूं मैम आपको, आपको ऐसा नहीं लग रहा आप थोड़ा सा बिजनेस कम करा रहे हैं लोगों का? मैं बताऊं कैसे, आपने बोला कि इतना साइज भी कम हो गया और उसके बाद में वेट भी कम हो गया, है ना, आप उनके जो कपड़े पहनते थे उसकी साइज कम नहीं करा रहे हैं आप, कपड़े कम लेने पड़ेंगे उनको, कहीं देखना आपको पकड़ना ले जितने भी कपड़े उपड़े वाले हैं ना वो लोग, टेक्सटाइल वाले। ठीक है मैम, ये तो रही आप फिटनेस करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं इस तरह से, अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि आपको जो मैंने देखा हुआ है, यू आर क्रेजी अबाउट वर्कआउट, है ना, आप साइकिलिंग भी करते हो, आप रनिंग भी अच्छा करते हो, और अभी आप जिस तरह से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करा रहे हो, तो आपका प्लान क्या रहता है? आप सिर्फ वर्कआउट पे, अक्सर लोग कहते हैं यार वजन कम करना है तो ना खूब दौड़ो, और दौड़ने से लोग डरते हैं, आपका कैसा वर्कआउट रहता है? बहुत सारा एरिया चाहिए बहुत बड़ा, या बहुत छोटी सी जगह पे करा ले रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा दौड़ाते हैं, आपका किस तरह का रहता है वर्कआउट? सर मेरा वर्कआउट जो है इट्स इजीली मैनेजेबल, और एक रूम में यू कैन इजीली डू वर्कआउट, उसमें मेन ये है मैं अपने बॉडी वेट के साथ वर्कआउट कराती हूँ, यू डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। ओके, अपने बॉडी वेट के साथ वर्कआउट चलता है। अगर मैं आपके साथ वर्कआउट करना चाहूँ तो मुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे, ऐसा नहीं है कि मुझे डंबल्स लेके आना है या मुझे कुछ एक्स्ट्रा वेट लाना है। ठीक है सर, अगर आप करना चाहें तो आपको आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मैं वर्कआउट करा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, बिकॉज मोस्टली हम लोगों का यही था कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो किसी के पास हार्डली डंबल्स होते हैं घर पे, या कहा जाए तो स्टेपर वगैरह, नो वन हैज, तो हम लोग वी यूज टू यूटिलाइज दैट थिंग, मतलब अगर स्टेपर चाहिए तो ये होता था कि हाँ जी स्टेपर नहीं है कोई बात नहीं, किचन में छोटी सी चौकी जो होती है स्टेप जिसपे बैठते हैं तो उसी से कर लीजिए, उससे बैठिए आप जो है कर लीजिए। तो आपने जो मतलब जो घर में अवेलेबल था, जो चीजें घर में थी, उसी से आपने वर्कआउट कराना शुरू किया, और आज आपकी क्लाइंटेज ये है कि सिर्फ यही नहीं, देहरादून से ही नहीं, या सिर्फ इंडिया से ही नहीं, अब्रॉड भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका वर्कआउट कर रहे हैं ऑनलाइन, आप यूएस में भी करा रही है, तो आगे क्या प्लान है? जैसे लॉकडाउन खत्म होगा ये छोड़ देना है या कंटिन्यू रहेगा? नहीं सर कंटिन्यू रहेगा ये मेरा, मैं जो है साथ में कस्टमाइज डाइट प्लान्स भी देती हूँ। क्या बात, आई ऑलवेज मतलब मेरे को होता है कि अलोंग विद वर्कआउट अगर आप थोड़ा सा डाइट फॉलो करेंगे तो दोनों साथ साथ चलता है असल में, डाइट है ना, तो, बिल्कुल सर, तो आप दोनों पे काम कर रहे हैं? सर दोनों पे मैं काम कर रही हूँ, वर्कआउट के साथ साथ डाइट पे भी काम कर रही हूँ। बिल्कुल, मेरे जो पेजेस हैं यू कैन फाइंड वेरी हेल्दी ऑप्शंस ऑन माय पेजेस। मैंने देखा है मैम, आपको फॉलो किया मैंने, तो मैं सचमुच आप जिस तरह से बोल रही हैं कि हेल्दी है भाई, आप लोग भी देखना बहुत हेल्दी है। अब मैम अगर अपने शहर में वापस आऊं, आप एक मैंने देखा सोशली भी आप लोगों से बहुत ज्यादा अटैच रहती हैं, और अपने सिटी के लिए अगर अपने शहर के लिए कुछ बात आती है तो आप हमेशा आगे रहती हैं। दून सिटीजन ऑनलाइन एक ग्रुप है, आप उसमें हैं? हाँ जी सर, आई एम कोर मेंबर ऑफ दून सिटीजन। क्या बात है, कोर मेंबर, रोल क्या रहता है मैम आपका, जिस तरह से मतलब कोर मेंबर्स हैं आपको मैंने देखा वहाँ भी आप एक्टिव रहती हैं, तो अगर मैं पूछूं कि आने वाले टाइम में फिटनेस को लेकर क्या प्लान है आपका? आने वाले टाइम में फिटनेस को लेकर सर मेरे प्लान ये हैं कि जैसे मेरा ये चल रहा है तो आई विल कंटिन्यू विद दिस, मैं अपना इसको कंटिन्यू रखूंगी और जितना बेटर कर सकूंगी उतना आई विल गिव माय बेस्ट इन दिस। अगर आप फिट बना रहे हैं लोगों को, है ना, आजकल इतना ज्यादा प्रोग्राम चल रहा है फिट इंडिया, फिट रहो, कोई योगा करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, और आप भी फिटनेस में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैम अगर आप फिटनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आप एक भी आदमी को फिट कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, नेशन बिल्डिंग में,
मैं तो ये मानता हूँ। तो अभी चलिए जाते जाते आपको तीन चार क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, तीन चार चीजें आपसे पूछता हूँ। अगर मैं कहूँ कि आपको घूमने जाना है सैटरडे को, ट्रैकिंग में जाना है, सो फ्रेंड्स और फैमिली किसके साथ जाएंगे? सर अर्ली मॉर्निंग कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं आई नो, अर्ली मॉर्निंग जैसे फैमिली का देखा जाए तो फैमिली में माय हस्बैंड इज नेवर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस ट्रिक्स एंड ऑल। हां आई हैव माय सन, आई हैव वन सन, तो बेटा मेरा ही इज ऑलवेज रेडी, ठीक है, उसका इंटरेस्ट लेवल रहता है। बट सैटरडे आई वुड प्रेफर विद माय फ्रेंड्स एंड संडे विद माय फैमिली। देखा था मैंने, अभी बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाऊं। अगर मैं कहूं फेवरेट डेस्टिनेशन इन देहरादून जहां आप जाके चिल आउट करना चाहते हैं विद फ्रेंड्स, और एक ऐसी जगह जहाँ पर आप थोड़ा सा फिटनेस भी कराना चाहेंगी अपने दो तीन फ्रेंड्स को ले जाके, कौन सी जगह है? सर शहनशाह इज द बेस्ट प्लेस, जहाँ पर अभी हम हैं, बैठे हुए हैं, तो मेरे को अगर किसी ने वो जैसे आपकी लैंग्वेज में किसी ने पकड़ा है तो सैटरडे संडे आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट शहनशाह। तो मतलब मैंने आज आपको सही जगह पे पकड़ा है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इट वाज सच अ सरप्राइज सर, आपने जो प्लान किया हुआ था मैं खुद एक बार शॉक्ड हो गई कि सर और यहाँ पे एकदम, और आई हैडन्ट कॉल फॉर एन इंटरव्यू, पहले तो इतना ज्यादा कॉन्शियस हो गई थी सर इंटरव्यू। नहीं मैम मैं ऐसा कुछ नहीं करता, हम तो जस्ट बातें करते हैं। अब मैम अगर मैं कहूँ कि जाते जाते और आप जो हमारा यूथ है, और यूथ नहीं कहूंगा जो सिटीजन है देहरादून के, है ना आप, क्योंकि जो दून सिटीजन ऑनलाइन है उस पर भी आप हैं, और अगर देहरादून वालों को अगर आप फिटनेस की एक कोई टिप देनी हो जो हर एज के लिए हो, क्या कहना चाहेंगे आप? फिटनेस की एक टिप सर, हैव लॉट्स ऑफ वाटर, फ्रूट्स, क्या बात, वेजिटेबल्स, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैव इट। और अपना अगर आपने वेट शट डाउन करना है, आई ऑलवेज से कि ये नहीं है कि आपको कि यू लीव ऑल द थिंग्स और अपना मुंह बिल्कुल जिप अप कर लो, नो, गो फॉर हेल्दी ईटिंग, आई ऑलवेज इंसिस्ट गो फॉर हेल्दी ईटिंग, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि जाते जाते आप अपना नाम एक बार दोबारा बिल्कुल अपना नाम बोले, और जितने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हैं ताकि लोग आपको कांटेक्ट कर सकें, अगर एक बार आप बोलना चाहें तो, ताकि किसी को अगर आपको कांटेक्ट करना हो और किसी को फिटनेस की बातें करनी हो तो आपसे बात कर सकता है। आई एम मनीषा गिरोटी दिस साइड, एंड आई हैव पेज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन FB बाय नेम ऑफ वर्कआउट विद मनीषा, सो यू कैन कैच मी देयर विद वर्कआउट विद मनीषा। सुन लिया भाई आप लोगों ने, थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग कहूंगा मैं तो, और आपको मैंने सही जगह पे पकड़ा है, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर सर। तो ये थी मनीषा गिरोती मैम, आपने सुना कहाँ कहाँ पर वो हैं भाई, इन वादियों से जाने का तो मन करता नहीं लेकिन क्या करें, जाना तो है, और आज जिस तरह की ये सुबह है मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट प्लेस है, यहाँ पर यहीं पर पकड़ा मनीषा मैम को और उनसे कुछ बातें की आप लोगों के लिए। अगर किसी को फिट रहना है तो ज्वाइन कर लो मनीषा गिरोती मैम को, कहीं नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, कोई टिकट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप उनसे मिलिए, उनके फिटनेस रेजिमेंट को फॉलो कीजिए और ट्रेनिंग लीजिए उनकी, यही कहूंगा। सो एक बार फिर से, फिर कहीं मुलाकात होगी किसी से, तब तक के लिए अलविदा।